के लिए। धन्यवाद सर। सबसे पहले अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम मुकेश कुमार यादव हुआ और मैं 2015 में ग्रेजुएशन किया हूँ ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी से, और वर्तमान में मैं 66वीं BPSC से सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, तो यानी आप पहले से सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, आप पहले से सिलेक्टेड हैं। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने वहाँ से आप यहाँ सर तो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपने किस तरीके से फॉलो करके आप यहाँ पर आ पाए हैं? जॉब के साथ थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जो है सो अपना समय निकाल करके मैं तैयारी का किया, और पहले का तैयारी था उसके बेसिस पर। ओके सर, आपकी बुक लिस्ट क्या रही है सर? जैसे मतलब NCERT आपने स्टार्ट किया या फिर आपने कोई एडवांस बुक से स्टार्ट किया, आपने स्टार्ट कहाँ से किया? मेरी मुख्य बुक लिस्ट रही है वही NCERT और ख़ास करके घटनाचक, और उसी को मैं बेहतर तरीके से किया हूँ। और मैं थोड़ा औरों से दूसरे तरीके से पढ़ता हूँ, मेरा है कि मैं विजुअलाइज करके पढ़ता हूँ। कोई भी घटना है उसको मैं कनेक्ट करता हूँ अपने सोसाइटी से, अपने परिदृश्य से, और मैं विजुअलाइज करके पढ़ता हूँ मैप बेस्ड। यानी आपका कहने का मतलब है कि बिटवीन द लाइन, जो ना होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग, एक लाइन से दूसरी लाइन की जो चीज़ें कनेक्ट करती हैं वो अंडरस्टैंडिंग आपने, तो यही मेंस में यही मेन ही चीज़ होता है। यस, और मेरा प्री में भी यही हेल्प किया। मैं बता दूं कि मेरा 67th में 128 मार्क्स आया था 150 में, जो कि हाईएस्ट मार्क्स है। हाँ, बिल्कुल सर। तो इसी बेसिस पर मैं पढ़ाई करता हूँ कि मुख्य रूप से ये मैं देखता हूँ कि इसको मैं कनेक्ट कैसे कर पा रहा हूँ, इससे मुझे क्या सीख मिल रही है और मेरा कैसे विकास हो रहा है। जैसे हाँ सर, जैसे मैं बता दूं कि यदि मैं हिस्ट्री ही पढ़ता हूं तो हिस्ट्री मैं क्यों पढ़ रहा हूं, उसमें कैसे कैसे हुआ, जैसे जन से जनपद, महाजनपद, फिर राजा कैसे बना, फिर साम्राज्य विस्तार कैसे हुआ, कर का टैक्सेशन सिस्टम कैसे आया, फिर जो है सो इन्वेडर कैसे आया, फिर कैसे कैसे इसका विकास होते गया, कौन जगह जगह जो है सो शासन किए, वो मैं मैप बेस्ड पढ़ता हूँ। इसी प्रकार से ज्योग्राफी को मैं रिलेट करता हूँ अपने समाज से, अपना जो वातावरण है इससे, फिर बायोलॉजी को भी अपने बॉडी से, स्ट्रक्चर से, सारा कुछ से रिलेट करता हूँ। ओके सर, ओके सर, रिलेट यानी क्या मतलब, आप हिस्ट्री को इकोनॉमी भी कर लेते हैं, इकोनॉमी को आप हिस्ट्री में, ज्योग्राफी को आप हिस्ट्री में, इस तरीके से आपको यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच आपका रहा। और ये इंटीग्रेटेड अप्रोच लगाते हैं तो मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प मिलता है, आप एक चीज़ दूसरे को कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे किसी भी क्वेश्चन का जवाब देना है तो उसको आप विभिन्न डायमेंशन में दे सकते हैं, ये बहुत हेल्प करता है। यानी डिफरेंट डायमेंशन जो आपका होगा, यानी आप जब आप विजुअलाइज चीज़ों को करेंगे तो आप एक नहीं, आपके पास 10 आंसर होंगे लिखने के लिए, इस तरीके से सर। हाँ, जैसे आप नॉर्मल सा यदि देखा जाए कि किसी भी साइंस एंड टेक का यदि जवाब देना है तो उसमें आप ज्योग्राफी भी इंक्लूड कर पाते हैं और साइंस एंड टेक का तो है ही, तो ये मेंस में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। तो आपने जैसे मेंस दिया, आपने आप सप्लाई इंस्पेक्टर पे चयनित भी हैं, तो आपने मेंस को किस तरीके से स्ट्रेटजी किया कि आपको फ्लो चार्ट, डायग्राम, डाटा, ये भी आपने अंडरस्टैंडिंग के साथ में चीज़ रखी, आपने प्रोस कॉन्स कैसे आपने किया मेंस को? यस, मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे हैं उसका डाटा को मैं डायग्राम के बेसिस पर रखा हूँ, और बाद बाकी जो डेली का न्यूज़पेपर से कुछ भी डाटा कलेक्ट होता था उस डाटा को वही फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप से। ओके सर, और ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है इससे। ओके सर, और एक बात और सर, कि आप जैसे बोर्ड में एंटर करते हैं तो क्या आप जैसे 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट बात हुई तो आपको लगा कि बोर्ड जो है कॉर्डियल है या फिर मतलब ऐसे कहे फ्रेंडली लगा बोर्ड आपको? बहुत ही अच्छा। मेरा सोन बोर्ड में था, हाँ। चेयरमैन सर का तो नाम याद नहीं पता, लेकिन इतने अच्छे फ्रेंडली बिहेवियर थे, मुझे पिछली बार से इस बात पता ही नहीं चला कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जो आपका ग्रेजुएशन है, जो ऑप्शनल है, और थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन, बस बेसिक, और आपका डिस्ट्रिक्ट वहीं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मेरा 10 से 12 मिनट के आसपास में इंटरव्यू चला है और बहुत ही अच्छा फ्रेंडली बिहेवियर रहा। एक चीज़ मैं BPSC को देख रहा हूँ सर कि जो बहुत तेज़ी से काम कर रही है, आज कल जो मतलब जो भी BPSC के अध्यक्ष हैं मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इतने बच्चों का इंटरव्यू 10 दिन में कराना एक अपने आप में बहुत बड़ी अपॉन। तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पार्शियली सारा कुछ, इतना ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और इतना फास्ट काम कर रहे हैं कि इसके लिए जितना धन्यवाद देना उतना कम है। बहुत ही स्पीड और बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आप पारदर्शिता के साथ। ओके सर, आपको स्पेशली क्या क्वेश्चन पूछे गए जैसे आप इंटर करते हैं G20 या फिर वुमेन एम्पावरमेंट, या फिर जो अभी रिसेंटली न्यूज में 5 स्टेट का चल रहा है, या फिर मणिपुर विवाद, कैसे आपसे क्वेश्चन थे? चेयरमैन सर पहले मेरे से पूछे जो आपने ग्रेजुएशन कब किया, तो मैंने बताया 2015, तो फिर बोले जो आपका ऑप्शनल क्या है, तो हिंदी साहित्य से 3 क्वेश्चन पूछा गया कि आप बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या, कोई किताब का नाम बताइए,
फिर ये छायावाद क्या होता है, छायावाद से जो है सो सारे कवि और उसका रचना का नाम बताइए। फिर नेक्स्ट पर बोल दिया, नेक्स्ट में बोले जो G20 से क्या फ़ायदा हुआ, G20 नहीं करते तो क्या होता, इससे मुझे यदि डिक्लेरेशन यदि लागू नहीं होता है तो क्या हम किसी को बाध्यता डाल सकते हैं, ये सब बेसिक क्वेश्चन हुआ। फिर नेक्स्ट पर आए तो नेक्स्ट में एक फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट पूछा, वो मुझे याद नहीं उसमें, सॉरी मैं बोला कि यदि इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है तो क्या ग्लोबल वार्मिंग ख़त्म हो जाएगा। फिर बोले जो ये सिक्किम जो हिली एरिया है ये सब में अभी जो है सो बहुत फ्लड का सिचुएशन आ रहा है, क्यों हो रहा है। फिर नेक्स्ट मेंबर नॉर्मल पूछे जो आपका लग रहा है कि मिथिला क्षेत्र से हैं, क्योंकि मैंने अपना यूनिवर्सिटी का नाम बताया था, तो फिर वो मिथिला से पूछे जो मिथिला है क्या खास है, क्यों फेमस है आपका जो है सो आपके एरिया का कुछ जो औद्योगिक के रूप में ये फेमस हो, व्यापार के रूप में होता हो। मैंने बताया मांस मखान पान, बाद की जो सिक्की कला है, मधुबनी पेंटिंग है, ये सब तो बहुत अच्छा रहा। फिर लास्ट में वो एक क्वेश्चन पूछे कि बताइए मेरे से जो अर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध क्यों हुआ था, जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इज़राइल हमास ये पूछा जाएगा, ये रशिया यूक्रेन, लेकिन मुझे मेरे से अर्मेनिया और अजरबैजान पूछा गया। लेकिन सर कहीं कहीं ना कहीं मतलब उसके पड़ोसी देशों के बारे में पूछा गया जो इसराइल और वो है, यानी मेंबर भी कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड ही ले रहे हैं, जो आपने बताया कि अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को विजुअलाइज करना, तो अगर आप विजुअलाइज करते हैं तो आसपास की कंट्री भी लेते हैं। हाँ वही है, और मतलब कुछ कुछ मेंबर हैं जो थोड़ा सा लिख करके कुछ लाए थे पॉइंट, वो पूछ रहे थे, तो बस वो फैक्चुअल पॉइंट था, ऐसा कुछ बहुत खास नहीं था, लेकिन जो आप मॉक दे रहे हैं बाहर में या कुछ भी उससे हट करके हैं, बहुत बिल्कुल हट के हैं। मॉक का मतलब यहाँ बहुत स्टैंडर्ड तरीके से हो रहा है, जिसमें कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन सब पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर बस रैपिड फायर राउंड में आपसे पूछा जा रहा है और थोड़ा व्यू पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर आपका क्या व्यू है जी सर, ये और आप जैसे फील्ड में जाते हैं तो किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को बेहतर करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका वो विजुलाइजेशन आपका काम आया व्यू आप देने में। तो भाई आप रट के जाएंगे तो आप वो चीज़ें ग्रेप करके नहीं बता पाएंगे वो चीज़ें, लेकिन जो आपने विजुलाइज किया तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको बेड मेम्बर को आप कन्विंस कर पाए। हाँ, और ऐसे ही क्वेश्चन सब जैसे एक पूछा गया कि बताइए आप यदि G20 में पुतिन आते तो क्या इसको गिरफ्तार कर लिया जाता, क्योंकि उसके ऊपर तो ये इशू है। तो मतलब मैं एक पढ़ा था कहीं जो ब्रिक्स में नहीं जा पाए थे और G20 में आने वाले थे, तो उससे मैं विजुअलाइज किया कि हाँ ऐसा है, इसलिए मैं बताया, तो उसमें एक मेंबर भी थे, मतलब माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था, वे मुझे आश्चर्यचकित होकर के देखे, तो बगल वाले मेंबर बताए कि नहीं हकीकत सही बोल रहा है ये। अच्छा अच्छा, तो इस टाइप से सर, तो आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि हमारा चैनल जो UPSC एंड स्टेट PCS पे ओनली फोकस्ड है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रीलिम्स के लिए तो अभी जिस प्रकार से BPSC है वो बहुत डाइवर्सिफाई हो गया है, इसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से आपको स्टडी करना होगा, रेगुलर न्यूज़पेपर और ख़ास करके जो आपका बेसिक NCERT है उसको बहुत ही अच्छे से करना होगा। मेंस के लिए तो न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर जो ऐसे इस बार 68 से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ऐसे के लिए तो न्यूज़पेपर और आपका जो यही विजुअलाइजेशन यहाँ काम आएगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि आप यहाँ पर एक कहावत पूछ दे रहे हैं कि मूस मोटे है लोढ़ा हुई है नहाती ना गोरा हुई है, तो ये सब इस प्रकार से आप यदि विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं जो कि किससे कनेक्ट करेंगे ये इसका अर्थ क्या होगा, तो आप ऐसे नहीं बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। उसके बाद यदि इंटरव्यू है तो इंटरव्यू में बहुत कुछ लोड लेने का नहीं है, बेसिक आपका जो ग्रेजुएशन है, बेसिक आपका जो ऑप्शनल है, फिर जो करेंट के इश्यूज़ हैं आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट का कुछ मुद्दा है, स्टेट का खास करके जो प्रॉब्लम है, बस इसी सब से रिलेटेड है, और सारा बोर्ड का बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर है, जितने मेरे सारे दोस्त दिए हैं बहुत ही अच्छा रहा है सबका, सब बहुत खुश है। ओके सर, थैंक यू सर, बेस्ट विशेष।